धन्यवाद। आज की इस त्रिशक्ति सम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के अति सम्मानित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित भाई शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे लोकसभा चुनाव के प्रभारी हम सबके निर्वाचित आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्याम झाजू जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, सांसद तेहरी आदरणीय माला राज्य रश्मि शाह जी, हमारे सह महामंत्री संगठन आदरणीय शिव प्रकाश जी, आदरणीय विजय भोगना जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हमारे छोटे भाई श्री तीरथ सिंह रावत जी, महापौर श्री सुनील मुनियाल गामा जी, मंत्री विराजमान श्री मदन कौशिक जी मंत्री, और दूसरे मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और आज जिन्होंने माननीय अध्यक्ष जी ने जिनको सम्मानित किया, सुदूर जीवन मानित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज आप सबका इस पंडाल में बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं माननीय अध्यक्ष जी का आप जी तोड़ मेहनत करके और अपने श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, उत्तराखंड से पांचों लोकसभा की सीटें और रिकॉर्ड मत के साथ जिताकर आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली में पांचों सीटें भेजी है, और आज फिर वक्त आ गया है। आज कल का बजट हमने देखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी से जहां एक कामगार मजदूर से लेकर कर्मचारी कारोबारी और देश की सेना और देश के किसानों के लिए जिस तरह का बजट दिया गया है, मैं समझता हूं कि आज चारों तरफ खुशी की लहर है। आज एक बेहतरीन बजट, एक ऐतिहासिक बजट आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया है, जिसमें हमको भारत का, एक नए भारत का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि 2022 का जो भारत होगा वो एक नया भारत होगा, उस भारत की तस्वीर कल के बजट में हमको साफ साफ दिखाई दे रही है, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी को आपकी तरफ से फिर ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी पांचों की पांचों लोकसभा सीटें फिर भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी, ये आश्वासन मैं माननीय अमित भाई जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूँ। बोले ठीक है, बोले ठीक है, बोले भारत माता की। अब मैं आपसे दो तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों के लिए 6,000 रुपया जो 2 हेक्टेयर वाले किसान है, यानी कि 100 नाली वाले जो किसान है, उनके लिए 6,000 रुपया उनके खातों में डालने की व्यवस्था की है। उत्तराखंड का 91.1% किसान, यानी कि लगभग 92% किसान आज उस योजना से इसका लाभ लेगा, और ये जो पैसा जाएगा, हमने सुना है एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, याद करिए जरा, एक प्रधानमंत्री ने कहा था दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, गांव तक 15 पैसे पहुंचता है, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है दिल्ली से 1 रुपया मिलेगा और निवाली भिदाड़ी तक वो 1 रुपया पहुंचेगा, ये व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। हमारे जो मजदूर हैं, मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री जी ने अगर दुर्घटना हो जाती है तो 6 लाख रुपया उनके परिवार को अनुदान के रूप में मिलेगा, ये आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। किसानों के लिए, कामगारों के लिए, कर्मचारियों के लिए आज जो वर्षों से लंबित मांग थी, आज 5 लाख रुपए का श्रेय टैक्स फ्री किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, चाहे कामगार हो, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, और चाहे हमारे कारोबारी हो,
प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की रियायतें उनको दी हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश का जो विकास है उसकी बहुत तेजी से उसकी गति बढ़ेगी। महंगाई पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने रोक लगाई है। अगर यूपीए के समय में जो महंगाई की दर थी वो 10.1% थी, आज महंगाई की दर 4.1 रह गई है 4.5 साल के शासन के बाद। हम सैन्य बहुल प्रदेश के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख करोड़ रुपए का बजट सेना के लिए दिया है। किसान को 6,000 रुपए सालाना स्लैब से जो इनकम टैक्स का स्लैब है 2.5 लाख से 5 लाख यानी कि दुगुना कारदारों के लिए, कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए। आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सब कुछ किया है, मुझे याद है अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने जब उन्हें पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था दिल्ली में, उन्होंने कहा ये दिल्ली को हम दलालों से मुक्त करेंगे। दिल्ली दलालों से मुक्त हुई है और आज इसलिए चाहे सबको घर दिया जा रहा है, हर घर में बिजली दी जा रही है, हर खेत को पानी देने की व्यवस्था की गई है, आज किसानों के लिए 6,000 रुपया सालाना दिया जा रहा है। अगर सेना का बजट 3 लाख करोड़ रुपया हुआ है तो ये दलालों से मुक्त दिल्ली जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है उसके कारण हुआ है। ये संदेश लेकर के हम सब कार्यकर्ताओं को फिर घर घर में जाना है, फिर घर घर में कदम उठाना है। इसी आह्वान के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।